इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि गिवन है x इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 40 और हमें फाइंड करना है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो करेंगे क्या, पहले हम रूट एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन रूट एक्स का वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों का ऐड करके इस पूरी का वैल्यू निकालेंगे। मतलब सबसे पहले हमें रूट एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का गिवन है 7 प्लस रूट 40, तो फिर रूट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस रूट 40 के। अब हमने ऐसे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा, तो बहुत अच्छा होगा कि आप इसके पहले एक बार उन सब क्वेश्चंस को भी देख लें, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ईजीली सॉल्व कर सकेंगे इन सब। अब हम देखें, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसमें रूट के अंदर रूट होता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो अंदर वाला टर्म है इसे हमें किसी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो या तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा या फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। तो उसमें करना क्या है, हमें ये जो पहला वाला टर्म है इसे हम हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और इस बाद वाले को हम हमेशा 2ab में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा प्लस ये बनेगा 2ab। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि रूट के बारे में 2 पहले से मिल जाता है, तो फिर 2 जब मिला हुआ होता है तो फिर ए बी फाइंड आउट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास रूट के बाहर 2 है नहीं, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ईजी बनाते हैं और इस रूट के बाहर 2 लेके आते हैं। आइए देखें, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 प्लस रूट 40 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2, 2, 2 और 5। अब ये जो 7 था वो ऐसे कैसे आ गई, ये 2 2 स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार 2 है तो ये बाहर में आ गई 1 बार 2 हो जाएगा, और ये 2 और ये 5 स्क्वायर रूट के अंदर दोनों अकेले हैं तो अकेले रह गए, 2 × 5 ये हमें मिल गया है। तो फिर अब इस क्वेश्चन की जगह हमें ये क्वेश्चन मिल गया जो थोड़ा सा और ईजी होगा समझना। ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा किसी के परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते टाइम हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो पहला वाला डिजिट है ये ब्रेक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बाद वाला होता है 2ab में। ए क्या है बी क्या, अभी हमें पता नहीं, तो फिर हम 7 ऐसे कैसे लिख देंगे प्लस 2ab, मतलब ए को बी को किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो फिर हम चेक करते हैं कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर रूट 10 आता है, उसमें से एक ए होगा और एक बी होगा। तो कौन कौन से दो नंबर्स हैं, एक तो रूट 10 और 1, इन दो को मल्टीप्लाई करने पर रूट 10 आता है, और एक है रूट 5 और रूट 2, इन दो को मल्टीप्लाई करने पर भी रूट 10 आता है। तो फिर इन दोनों में से कोई ए और बी हो सकता है जिनको मल्टीप्लाई करने पर रूट 10 आता है, क्योंकि ए बी का आंसर रूट 10 है। वैसे ही अगर इनमें से कोई एक ए हो कोई एक बी हो तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी का आंसर भी रूट 10 आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है अपना आंसर, ये भी हो सकता है। अब हमें चेक करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ये, क्योंकि ये तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी तो कुछ भी हो सकता है। अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चेक करते हैं, मतलब ए के स्क्वायर को बी के स्क्वायर को ऐड करने पर 7 आना चाहिए। यहाँ देखते हैं, इसे a मान लें इसे b मान लें, तो इन दोनों के स्क्वायर स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर होगा 10, इसका स्क्वायर होगा 1, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करने पर हमें मिलेगा 11 और यहाँ पर है 7, तो फिर ये a और b नहीं हो सकता। यहाँ चेक करते हैं, अगर a रूट 5 हो और b रूट 2 हो तो फिर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर को ऐड करने पर 7 आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर क्या है 5, इसका स्क्वायर क्या है 2, इन दोनों के स्क्वायर स्क्वायर करने पर क्या मिल रहा है 7। तो अगर हम a को रूट 5 और b को रूट 2 मान लेते हैं तो फिर a मल्टीप्लाइड बाई b रूट 10 होगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा 7, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम a को मान लेते हैं रूट 5 है और b हमें मिल गया रूट 2, तो फिर a की जगह यहाँ पर लिख देते हैं रूट 5, बी की जगह यहाँ पर लिख देते हैं रूट 2, तो ये 2ab मिल गया। अब इसे ब्रेक करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ब्रेक करना है, जब ए रूट 5 है तो ए का स्क्वायर क्या होगा 5, जब बी है रूट 2 तो बी का स्क्वायर क्या होगा 2, तो फिर हमें चाहिए 5 और 2, तो
तो हम 7 को ब्रेक कर देंगे 5 में और 2 में, और ये बार वाला जो नंबर है वो ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे। अब ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये ए स्क्वायर है तो फिर रूट 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे हम 2 की जगह हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मिल गए हमारे आइडेंटिटी के फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, दोनों कैंसिल हो गया, तो हमें रूट एक्स का आंसर मिल गया जो कि होगा रूट 5 प्लस रूट 2 के इक्वल। अब हम देखते हैं, हमें रूट एक्स का तो आंसर मिल गया रूट 5 प्लस रूट 2, अब हमें 1 अपॉन रूट एक्स का आंसर निकालना है। 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का आंसर क्या था, रूट 5 प्लस रूट 2। अब हम इसे रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पर ये रूट 5 प्लस रूट 2 है, मतलब ये a प्लस बी के फॉर्म में है, इसे रैशनलाइज करने के लिए a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो फिर ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 माइनस रूट 2 क्या मिलेगा हमें, भाई रूट 5 माइनस रूट 2, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी से हमें क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, तो फिर हमें इसका भी आंसर मिल गया रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। रूट एक्स का आंसर भी मिल गया, 1 अपॉन रूट एक्स का आंसर भी मिल गया, अब इन दोनों को ऐड करके हम रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का भी आंसर निकाल सकते हैं। अब हमें आंसर चाहिए रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का, रूट एक्स का आंसर हमें मिल गया था रूट 5 प्लस रूट 2, और 1 अपॉन रूट एक्स का आंसर मिल गया था रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2। 3 रूट 5 और रूट 5 को ऐड करने पर क्या मिलेगा, 4 रूट 5, 3 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या मिलेगा, 2 रूट 2 अपॉन 3। ऊपर से यहाँ पर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर ये हो गया 2 रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन 3, ये मिल गया हमें आंसर। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सब का सलूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप उन सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी ज़रूर देखें, इन सब को एक साथ सॉल्व करें, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू गाइस।